हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जो फिलहाल 3.18 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसमें आज के दिन भी देखा जाए तो करीब 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। जो हमारे पुराने व्यूअर्स उनको पता है, इस स्टॉक को मैं बहुत पहले से रिकमेंड कर रहा हूँ, करीब 0.70 0.80 रुपीज के आसपास से। और मैंने आपको कहा था, स्टॉक को आपको बाई करना है। 2024 और 2025 आपको टेलीकॉम सेक्टर का होते हुए देखने को मिल सकता है। किसी भी टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक को आप बाई कर लीजिए, चाहे वो जीटेल इंफ्रा हो, चाहे वो तेजस नेटवर्क हो, चाहे वो इंडस टावर हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, सभी में आपको रैली देखने को मिल सकती है। तो देख सकते हैं सभी स्टॉक डबल हो चुके हैं आराम से, जहां से मैंने आपको वीडियो बनाई थी। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सभी वीडियो बना रखी है। जीटेल इन्फ्रा पे भी वीडियो बनाई थी, और जब जीटेल इन्फ्रा पे मैंने ये देख सकते हैं 5 दिन में देखेंगे स्टॉक 18 से 19% गिर चुका है। वहीं आप 1 महीने में देखेंगे तो यहाँ देखते हैं 47 से 48% का रिटर्न अभी भी देखने को मिलने वाला है। और मैं यहाँ लगातार वीडियो बना रहा था कि अब आपको स्टॉक को सेल करना है, अब एंट्री नहीं लेनी है स्टॉक के अंदर। और फिर उसमें फिर से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इससे वीडियो बना रखी है, चाहे वो जीटेल इन्फ्रा हो, चाहे वो एनसीएल रिसर्च हो, मैंने दोनों पे ही वीडियो बनाया था। मैंने कहा था आपको एग्जिट लेना है स्टॉक के अंदर, एंट्री नहीं लेनी है आपको रैली देख के। क्योंकि व्यूअर्स, मार्केट में होता ही है ना, मतलब कि जब स्टॉक कोई भागता है ना, तो स्टॉक सबको अच्छा लगने जाता है, सब उसी स्टॉक के लिए कमेंट करने जाते हैं, सर स्टॉक को क्या बाई कर ले, क्या सर स्टॉक को और बाई कर ले, मतलब यही कमेंट आता रहता है। तो मैंने आपको यहाँ लगातार वीडियो बनाया था, मैंने कहा था स्टॉक को आपको सेल करना है, 2 रुपए के आसपास से लगातार वीडियो बना रहा था मैं, स्टॉक को आप सेल कर दीजिए, सेल कर दीजिए। कभी भी स्टॉक में आपको एलसी लगते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि रैली के पीछे कोई ऐसी वजह नहीं थी मेन। हाँ, एक वीआई का जो डेट था वो डेट इन्होंने पे कर दिया था, इसके वजह से रैली देखने को मिली थी, पर वो रैली यहाँ तक ही थी। अगर आप देखेंगे यहाँ जो करेक्शन आया था 2.04 के पास, यहाँ तक ही थी। इसके बाद जो रैली देखने को मिली थी ऑपरेटर की रैली थी, जिन्होंने यहाँ पैसा बना लिया और आपके से व्यूअर्स ने इसको ऊपर के प्राइस पे बाई कर लिया, फिर स्टॉक में एलसी लग गया और स्टॉक अब सेल नहीं हो रहा है। तो स्टॉक को सेल कैसे करना है, उसका एक ही उपाय है, वो है एम ऑर्डर लगाइए। एम ऑर्डर लगाने से चांसेस आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, 100% नहीं स्टॉक सेल हो जाएगा, पर हाँ चांसेस से सेल हो जाएगा। और आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो अभी तो बिल्कुल भी है, इसमें आपको एंट्री नहीं लेनी है। स्टॉक वापस आपको गिरकर 0.50 से 0.60 के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है, उससे पहले आपको स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। फिलहाल स्टॉक से दूर रहिए, अभी मार्केट भी अपने ओल्ड टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पे करेक्शन बनते हुए देखने को मिल सकता है बजट के बाद। उसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो अच्छे प्राइस पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आने वाले समय और भी करेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उनकी तरफ जाइए। फिलहाल जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको दूर रहना है, बाकी फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस वाइज देखिए तो स्टॉक बहुत ही हाई है अभी, अगर आप साल भर का रिटर्न देखेंगे तो करीब 297% रिटर्न दे चुका है, करीब करीब 300% रिटर्न दे चुका है, जो कि कम नहीं होता है एक किसी भी स्टॉक के लिए। तो यहाँ से आराम से करेक्शन बनते हुए आपको देखने को मिल सकता है, स्टॉक आराम से आपको 1.50 में ना आपको 1.50 से 1.60 के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको स्टॉक और भी गिरते हुए देखने को मिल सकता है। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि जीटेल इंफ्रा में फिलहाल आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। बाकी अगर आप उसका मार्केट के देखेंगे तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है, 4073 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है। पर प्राइस वाइज देखिए तो बहुत ही अभी ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से करेक्शन बनता है, जो कि आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। और ये करेक्शन आपको और भी होते हुए देखने को मिल सकता है, आराम से स्टॉक आपको गिरते हुए देखने को मिल सकता है, पूरा महीना ही गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, इसमें आप फंस चुके हैं और ऐसे स्टॉक से आप दूर रहिए कृपया करके। मैं आपको स्टॉक रिकमेंड कर दूंगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, उसी स्टॉक को आप बाई करिए फिलहाल, और ऐसे पेनी स्टॉक से दूर रहिए। बाकी अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, जिसका सेल्स था 371 करोड़ के आसपास था मार्च 2021 के अंदर, जो कि फिलहाल मार्च 2024 के अंदर 331 करोड़ के आसपास आ चुका है, तो यहाँ सेल्स भी घटते हुए देखने को मिल रहा है, पर स्टॉक में रैली देखने को मिल रही। तो यहीं आपको समझ लेना चाहिए था कि ऑपरेटर गेम यहाँ चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये भी माइनस में देखने को मिलने वाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर प्लस में देखने को मिल रहा है 40 करोड़ के आसपास, पर वहीं आप कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो माइनस में 85 करोड़ के आसपास नेट कैश फ्लो, तो ये यहाँ खराब देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 3.36 थी जून 2021 के अंदर, जो कि फिलहाल मार्च 2024 के अंदर 3.28 हो चुकी है। तो यहाँ प्रमोटर ने भी अपने होल्डिंग को डिक्रीज करा, पर स्टॉक में आपको रैली देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी आपको समझने का मौका मिला, पर आपने यहाँ भी ध्यान नहीं दिया कि प्रमोटर एग्जिट ले रहे हैं, मतलब कंपनी में कुछ झोझाल चल रहा है। एफआईएस ने भी देखते हैं 1.85 की होल्डिंग थी, जो कि 0.12 कर ली। फोर इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को घटा दिया था। डीआईएस की देखिए 60 थी, जो कि 43 कर ली थी, डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को घटा दिया। फंसे कौन पब्लिक 33 से सीधा बढ़ाकर 53.35 कर ली थी, ये डाटा मार्च का है। जून जुलाई अगस्त में आपको ये और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, फिलहाल आप स्टॉक से दूर रहिए, और आपने इसमें एंट्री ले ली है तो एमओ ऑर्डर लगाइए, बाकी इसका कोई उपाय नहीं है। स्टॉक आपको गिरते हुए देखने को लगातार मिलने वाला है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।